नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी नागपंचमी की। नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को आता है। इस दिन नाग देवता यानी कि सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान करवाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि सर्प को दूध पिलाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें दूध से स्नान कराना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन जो नाग की पूजा करता है और उन्हें दूध से स्नान करवाता है, तो उनके सर्प के काटने से मृत्यु का भय बिल्कुल भी नहीं रहता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी के दिन आपको क्या बनाना है, आपको नाग पंचमी की पूजा कैसे करनी है, उसका व्रत कैसे करना है और उसकी कथा क्या है। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नागपंचमी के दिन वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं कि नागकुआ नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं कि तक्षक जो कि अष्ट नागों में से एक था, गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी में संस्कृत की शिक्षा लेने आए थे। तो गरुड़ जी ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन अपने गुरु जी के प्रभाव से उन्होंने तक्षक को अभयदान दे दिया। उसी दिन से नागपंचमी के दिन यहाँ नाग की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नाग की पूजा करने के बाद जो नाग कुआं का दर्शन करता है, अगर उसकी कुंडली में सर्प दोष होता है तो वो उसका निवारण हो जाता है और वो सर्प दोष से मुक्ति हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। कई कई जगहों पर तो नागपंचमी के दिन मेले लगते हैं, कुश्ती होती है, वो गांवों में आज भी होता है। लेकिन कई जगहों पर पूजा ऐसे की जाती है कि रात का बासी खाना बनाकर रखा जाता है और सुबह नाग देवता की पूजा करने के बाद वो खाना खाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पूजा की जाती है कि रात को मोठ और चने भिगो दिए जाते हैं, सुबह दीवार पर गेरू से या कोयले से, सफ़ेद कागज़ पर कोयले से नाग देवता बनाते हैं, फिर उनको सामने मोठ बाजरा रख कर और जो हमने घर में खीर पूरी बनाई होती है, सेवई बनाई होती है, कुछ लोग चावल बनाए होते हैं, जो आपके परंपरा है आप वो बनाए, वो सब सामान रख कर उसमें दक्षिणा रख कर फिर नाग देवता की कथा सुनी जाती है। फिर जो बायना होता है वो घर में अपनी सास को या ननद को दे दिया जाता है। कुछ लोग घर के मेन गेट पर गाय के गोबर से भी सर्प बनाते हैं, कुछ लोग गेरू से भी बनाते हैं जो एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है, जैसे कि हम रक्षाबंधन के दिन दीवारों पर उससे राम राम लिखते हैं, वो गेरू से ही लिखते हैं, तो उससे भी बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग बनाते हैं वो सफ़ेद कागज़ पर, रसोई में दीवार पर सफ़ेद कागज़ लगा देते हैं और उस पर कोयले को देसी घी में डुबोकर कोयले से नाग देवता बनाते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं। कुछ मीठे पूड़े बनाकर करते हैं और कुछ गुलगुले बनाकर भी पूजा करते हैं। लेकिन आपके घर में जो रिवाज है आप वो ही बनाएं, उसके बाद आप नागपंचमी के दिन कथा जरूर करें। कथा आपको कैसे करनी है वो आज मैं आपको बताऊंगी। सुबह नहा धोकर अगर आपने किचन में पूजा करनी है तो सुबह सबसे पहले आप नहाए धोएं, उसके बाद आप अपनी किचन को साफ करें। मोठ और चने का आपने बायना निकालना है तो आप रात को मोठ और चना भिगो कर जरूर रखें, ताकि सुबह जब आप कथा सुने तो वो आपको मोठ और बाजरा भीगा हुआ मिले। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ कि कथा कौन सी है। तो कथा सुनने से पहले आपको क्या करना है, आपको किचन में सफ़ेद कागज़ के ऊपर सात सांप बनाने हैं, उनके ऊपर कच्चे दूध से छींटे मारकर फिर आपको ये कथा शुरू करनी है। तो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के सात पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सब बहुओं को साथ चलने को कहा।
तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां से एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने उसके कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूं, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोला कि सेठ की छोटी बहू को हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्व भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मनियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प का बन गया। यह देख रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मनियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे और मनियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा।
यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो ये थी कथा नाग पंचमी की जो मैंने आपको सुनाई, उसकी पूजा विधि बताई, आपको व्रत का बताया कि कैसा करना है। कहते हैं कि जो नाग पंचमी के दिन अच्छे से नाग देवता की पूजा करते हैं और नाग पंचमी की कथा सुनते हैं, तो कहते हैं कि उनके घर में कभी भी किसी के सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर भी चीको रेसिपीज़ को फॉलो करें। और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।